अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने चैनल पर एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम एज़ पर साइट जो है और एज़ पर ड्राइंग जो है कॉलम की जो है रीइंफोर्समेंट चेक करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ हैं इंजीनियर हमजा अब्बास। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चले इनसे जो है एज़ पर ड्राइंग चेक करवाते हैं, कॉलम की जो रीइंफोर्समेंट है। वीडियो एंड तक देखें जी। हमजा भाई, ये सर हमारे पास फर्स्ट फ्लोर की ना कॉलम बीम का प्लान है, हमने इसके अकॉर्डिंग चेक करना है इस कॉलम को। सही। तो इसमें सेक्शन पहले प्लान को देख के देखना है कि कौन सा कॉलम है, फिर उसका इनमें सेक्शन दिया होता है, सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है। लैब पूरा है, इसमें रिंग्स स्पेसिंग पे है और इसकी लेंथ और हाइट, जितनी हाइट तक इन्हें पोरिंग करनी है उधर तक इन्हें रिंग बांधे होंगे कि नहीं। सबसे पहले सर इसका ना लैब चेक करते हैं। सही। लैब बहुत डिज़ाइन के हिसाब से होता है, अगर आप कोड को फॉलो करें उसका अलग होता है, बाकी डिज़ाइनरों का अपने अपने हिसाब से ना वो उन्होंने रखा होता है। कई 6 इंच का कुछ रखते हैं, 52 इंच, 56 इंच, कुछ एक्चुअल जो होता है डिज़ाइन के हिसाब से वो 4 फुट 9 इंच होता है, उसके अकॉर्डिंग इसको आप चाहते हैं। लैब बेसिकली सर बॉटम से शुरू होता है, स्लैब के यहाँ से स्टार्ट होके और ये समझ ले जहाँ पे निचली स्लैब है ना ग्राउंड फ्लोर की, जहाँ पे उसकी कट लेंथ होती है वहाँ तक काउंट होता है। ये लैब है, ये 4 फुट 9 इंच होना चाहिए, इससे कम है इसको अलाउ नहीं करते। दूसरा सर रिंग्स की स्पेसिंग की बात है, वो सबसे पहले बॉटम और टॉप जो है ना उस पर स्पेसिंग कम रखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स और लोड वगैरह ज़्यादा होता है, यहाँ से बकलिंग का ज़्यादा चांस होता है कि ये कॉलम बकल कर जाएगा, यहाँ पे लोड जाता है। और सेंटर में कम भी रखते हैं, उसका ज़्यादा इशू नहीं होता, तो इसलिए सेंटर में कम होता है, टॉप और बॉटम पर ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर बकलिंग का ज़्यादा खतरा होता है। तो जो कट लेंथ हमारी होती है उसमें ये देखना पड़ता है कि जो ऊपर वाली स्लैब डाल रहे हैं वो उससे ऊपर लैप हमारा पूरा है कि नहीं, ये 3-4 चीज़ें सर हम मद्देनजर रखते हैं चेकिंग करते हुए। और रिंग्स की स्पेसिंग हो गई, जो इनर रिंग है आउटर रिंग है वो चेक किए, तो ये सारी इसकी तरीका कार है चेक करना। बहुत शुक्रिया।